अर्थ क्या होता है रिलेटेड रिलेटेड का हिंदी होता है संबंधित ए बी से संबंधित हो आप देखो आप लिखना चाहो तो ए एन डी एंड लिखो नहीं तो ये ऐसे होता है ऐसे दो दे दो ऐसे काट दो एंड ये होता है ये मैथमेटिक्स का ये रूल सिंबल है समझ गया ना ये मैथमेटिक्स का सिंबल उसके बाद देखो बी रिलेटेड क्या करेगा सी बी रिलेटेड सी बी संबंधित सी इम्प्लाइज ए रिलेटेड क्या होता है तब सी होता है यानी ए बी से संबंधित हो और बी सी से संबंधित हो ये इंगित इम्प्लाइज का हिंदी होता है इंगित करता है क्या करता है इंगित ये सी से संबंधित होगा यानी ए बी से संबंधित है इम्प्लाइज संबंधित है इम्प्लाइज का सिंबल इम्प्लाइज इम्प्लाइज समझ गया ना जिनको आप लोग या क्लास टेंथ में क्या पढ़ते थे जाने पढ़ते थे तो ए क्या हो बी से संबंधित है बी किससे हो सी से संबंधित हो आपको ए भी सी से संबंधित हो जाए ए भी क्या हो जाए सी से संबंधित हो जाए उसे ही हम क्या कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन उसे ही हम क्या कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन देखो रिफ्लेक्सिव के लिए कितने एलिमेंट लेते हैं एक एक एलिमेंट रिफ्लेक्सिव के लिए सिमेट्रिक के लिए दो दो सिमेट्रिक के लिए कितने लेते हैं दो ट्रांजिटिव के लिए तीन समझ गया ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं ए बी से संबंधित संबंधित और ए सी से संबंधित हो समझ गया जैसे हम क्या कहते हैं रिलेशन कहते हैं संक्रामक अर्थात इस लड़का का दोस्त वो है उस लड़का का दोस्त तुम हो समझ गया ना ये लड़का और तुम संबंधित हो सकते हो जी सर क्यों होगा क्योंकि सर दोस्त का दोस्त दोस्त होता है जी ट्रांजिटिव संबंध इसलिए ये क्या हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया समझ गया ना तो ट्रांजिटिव में हम तीन एलिमेंट को हम लेकर के कंपेयर करते हैं तुलना करते हैं समझ गया जैसे मान के चलो कि ए बी ए बी किसी रिलेशन में है उसके बाद क्या हो गया बी सी सी क्या होना चाहिए ए सी इसका अर्थ हो गया देखो ये किससे संबंधित है बी से है ना बी किससे संबंधित है कॉमन क्या आ गया बी आ गया बी आ गया ना ये कॉमन वाले को हम छांट देते हैं ये बी और ये जो बी कॉमन आया है इनको क्या करेगा छांट देगा ये किससे संबंधित हो जाएगा देखो ए सी से संबंधित हो गया कि नहीं हो गया तो इसी को हम क्या कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन कहने का अर्थ हो गया कि ये दो को पेयर मिल गया उस दिन तो काफी एग्जांपल हम दिए थे कि नहीं दिए थे जी अगर ये दो पेयर मिल गया तो आप क्या खोजोगे एसी ही भी खोजोगे अब देखो इससे क्या स्पष्ट होता है कि देखो एक पेयर का लास्ट देखो दूसरा द्वितीय निर्देशांक यह है ना ऑर्डर्ड पेयर दूसरा पेयर देखो ये दूसरा एलिमेंट है क्या है द्वितीय घटक है ना ये इसका ये जो बी है प्रथम है कि द्वितीय है प्रथम तो किसी भी ऑर्डर पेयर का द्वितीय अंतिम घटक समझ गया ना आ किसी का प्रथम घटक अगर आपस में मिल जाए समान हो जाए तो क्या करेगा वो जो कॉमन वाला इनको छांट देगा अब क्या बचा ए और सी बचा ना उसको भी खोजेगा वो भी पेयर अगर मिल गया तो आपको ट्रांजिटिव रिलेशन है अगर नहीं मिला तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं मतलब ए सी मिल गया तो मतलब अंतिम वाला मतलब जरूरी नहीं ए सी आप देखिए तो एग्जांपल ना लिए हैं ये जरूरी है कि ए बी सी ए करके रहेगा कुछ भी रहेगा सिर्फ इतना ध्यान रखिए सिंपल बात कि देखिए ये जो है ए बी सी ये आपसे दोस्त के रूप में संबंधित है आप देखो और इसका दोस्त आप हो जी। इसका दोस्त ये है इसका दोस्त आप हो ये और ये इनको बीच वाले को हम छोड़ देंगे संबंधित होगा ना जी सर होगा आप इनके साथ जुड़े हुए हो और ये आपसे जुड़े हुए हैं इसलिए ये और ये आप और आप क्या होंगे मित्र जुड़ जाएंगे समझ गया ना अब लिखिए इनका जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य होता है इसका महत्वपूर्ण तथ्य होता है तो देखो पहला लिखो पर पेंडी ये सब लिखाया हुआ है क्योंकि ये शुरुआत कर रहे थे इसलिए आपको हम समझा रहे पर पेंडी कूलर
लंबवत अब देखो लंबवत लंबवत समझ गया ना जी परपेंडिकुलर लंब लिख दो या लंबवत भी हम बोलते हैं सपोर्ट से तो इसमें देखो होता है क्या परपेंडिकुलर लिख लिया जी देखो परपेंडिकुलर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होता है पहला पॉइंट लिखो ऐसे मान के चलो कि ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं तीन एलिमेंट लेते हैं ना जी सर देखो ये हो गया आपका ए जी ये हो गया आपका बी बी हो गया ना जी तो देखो ये जो है बी पर लंब है कि नहीं है जी सर ये बी पर लंब है कि नहीं है ये बी पर जी अब बी ए पर लंब है कि नहीं है जी है ना जी एक चीज और ऐसे खींच दो इनको हम नाम देते हैं सी तो तीन एलिमेंट एबीसी हो गया ये यहाँ बोर्ड पर देखो ये किस पर लंब है बी पर अब बी किस पर लंब है ए पर सी पर है ना तो ये देखो बी पर लंब है और बी किस पर लंब है सी पर तो बोलो ए और सी आपस में क्या है ट्रांजिटिव समांतर क्या है पैरेलल है जी yes, समांतर है ना जी। लेकिन रिलेशन के अनुसार क्या होना चाहिए था परपेंडिकुलर ये लंब होना चाहिए ए और सी क्या होना चाहिए लंब होना लेकिन ए और सी आपको क्या हो गया समांतर न हो गया जी ए और सी क्या हो गया समांतर तो ये आपको ट्रांजिटिव रिलेशन होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं देखो जिससे लंब संबंध कौन है लंब वाला संबंध है कौन संबंध है लंब लंब तो देखो ए बी पर क्या है लंब बी सी पर क्या है लंब तो ए सी पर क्या होना चाहिए था लंब होना चाहिए लंब होना चाहिए समांतर है इसीलिए लंब लंब संक्रामक संबंध नहीं होगा लंब हुआ ना देखो ये समझो सीढ़ी है इसको उठा दो ऐसे एकदम घुमा फिरा के सोचो है जैसे मान के चलो कि ऐसे है ये ए हो गया ये क्या हो गया ये हो गया ना तो देखो ए बी पर लंब है कि नहीं है ना हम क्या करेंगे अब इनको आप घुमा दो हम घुमा देते ऐसे कर देते हैं इसको ए कर देते देखो बी ए पर लंब हुआ कि नहीं हुआ हुआ ना जी। तो घुमा फिरा के ना सोचेगा समझो कि फिगर को घुमा रहे हो तो देखो ए बी पर क्या है लंब उतना नहीं सोचना है इतना ध्यान रखो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 90 डिग्री तो 90 डिग्री का जब कोण बनता है एक दूसरे पर लंब होता है 90 डिग्री का जब कोण बनाए तो एक दूसरे पर क्या होता है लंब होता है समकोण तो देखो ए और बी के बीच में कितना डिग्री का एंगल बना है 90 डिग्री का ए बी पर क्या है लंब बी ए पर भी क्या है लंब उसके बाद देखो इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का तो बी सी पर क्या है ए सी पर अनुसार उसके अनुसार रिलेशन के अनुसार क्या होना चाहिए था लंब होना चाहिए था ए सी पर क्या होना चाहिए क्या ए और सी ए सी पर लंब है नहीं है इसलिए ये जो लंब जो है ये आपको ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है लंब वाला संबंध लंब परपेंडिकुलर रिलेशन ये जो है आपको ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होता है ये चीज उतार लिए हैं उनके से अब इसका दूसरा पॉइंट लिखो पैरेलल ये सब होगा पैरेलल इनके कोस्ट में लिख लो समांतर समांतर ऐसे रहने तो लिखो समांतर ट्रांजिटिव रिलेशन होता है समांतर ट्रांजिटिव रिलेशन होता है एग्जाम्पल दस अब एग्जाम्पल में देख लो इधर देखिए उसके बाद उतारना है देखो ये बी के समांतर है ना बी सी के समांतर है ना जी और ए सी के समांतर होगा कि नहीं होगा होगा ना जी ये किसके समांतर है बी के समांतर बी किसके समांतर है ए सी के समांतर होगा कि नहीं होगा होगा ना जी तो इसलिए ये जो है आपको समांतर वाला रिलेशन ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा जी परपेंडिकुलर हुआ था नहीं हुआ था
परपेंडिकुलर कौन सा रिलेशन होगा? क्या सर? सिमेट्रिक रिलेशन। ए बी पर लंब है तो बी ए पर लंब नहीं होगा जी। तो सबका एकदम पॉइंट वाइज हम लिखा दिया है ना, इसी प्रकार से तोड़ के लिखा दिए है। इनको याद कर लीजिए, आप ऑब्जेक्टिव बनाने में एग्जाम में नहीं चुकेंगे, किसी भी ऑब्जेक्टिव का जवाब आप दे देंगे। इनको उतारिए। सिमिलर समरूप, सिमिलर हिंदी क्या होता है? समरूप। समरूप होगा। आप लिखो सिमिलर ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, समरूप होता है जी। समरूप संक्रामक संबंध होता है, सिमिलर ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। आप देखो ए सिमिलर क्या हो गया बी, और बी सिमिलर ए, बी सिमिलर क्या हो गया ए, सी 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 हाँ, तब ए सिमिलर सी, ए सिमिलर सी होगा यस नहीं होगा जी। ये बी के समरूप है, बी सी के समरूप है, ए सी के समरूप होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। जानते हो ना जी, क्लास के बराबर है। यस सर। ए बी के समरूप है, बी सी के समरूप है, तो ए किसके समरूप होगा? सी के समरूप होगा। देखो चौथा पॉइंट क्या हो गया, ये सर्वांग सम, सर्वांग सम ये क्या हो गया? कन्वर्जेंट। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, देखो जी आर आई होगा ना, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। देखो सी ओ एन जी आर यू ई एन टी होता है, ई एन टी होता है सर जी, यू आर यू ई एन टी होता है। अब लिखते चलिए, कन्वर्जेंट ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, होता है। रिलेशन होता है जैसे सर्वांगसम में क्या होता है, उसका जो है फिगर और उनका जो है माप सब बराबर बराबर होता है ना। तो मान के ये बी के सर्वांगसम होगा, बी सी के सर्वांगसम होगा, वही सब चीजेगा। एन सर्वांगसम का एकदम सूचक हुआ जी, नहीं हुआ जी? जरूरी नहीं है इतना इतना, देखो ये डिटेल्स के साथ लिखा रहे कि आप जो आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करो, नहीं तो ये सब खोजो बुक में मिलेगा कहीं पर। नहीं सर, यही सब चैप्टर में दूसरा टीचर इतना लिखे कौन करेगा? आप देखिए ये सर्वांगसम हो गया ना, सर्वांगसम आप लिखो इक्वल बराबर, इक्वल बराबर ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, इक्वल ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। आप कहेगा कैसे ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, ये बराबर क्या हो गया बी, बी बराबर क्या हो गया? तो बोलो ए बराबर सी, ए सी के बराबर होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। इसके इस अनुसार होगा, इस लड़का का भार 5 kg है, समझ गया ना? ये लड़का का भी भार 5 kg है, तब ना कहेंगे बराबर है भार के हिसाब से दोनों का भार जी, दोनों का तो तुम्हारा भी भार 5 kg है। तो देखो ए जी का ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हुआ, तो मेरा भी तो इसी के बराबर ना होगा, तो हम बोल सकते हैं ना जी सर ए सी के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना, इसलिए इक्वल जो होता है ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। आप देखो लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन लेस देन से छोटा, लेस देन देन बड़ा छोटा से छोटा, लेस मतलब हो गया छोटा, समझ गया मतलब से छोटा, से छोटा। लिखो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, लेस देन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन होता है,
लिख लिया सर। अब देखो बोर्ड पर नजर दो, जैसे मान के चलो ए किससे छोटा है, बी से, बी किससे छोटा है, सी से। आप बोलो ए किससे छोटा होगा, सी से होगा कि नहीं होगा। देखो ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा क्या है, सी है, सी है ना, ए से बड़ा क्या है, बी है, और बी से बड़ा कौन है, सी। तो ये तो फैमिली बड़ा एकदम क्लियर है जी, ना तो ऐसा से बड़ा होगा ही ना होगा। आप देखो अपने दैनिक जीवन में लो, जैसे इस लड़का से बड़ ये लड़का है, हाँ उससे बड़े तुम हो जी सर, तो इससे बड़े भी तो हो गए ना, हुआ इससे तो डबल बड़े हो गए, इसलिए याद रखो ये जो लेस देन होता है ये क्या हो जाता है, ये ट्रांजिटिव हो जाता है, समझ गया ना। अब लिखो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ई भी होगा सर जी, ट्रांजिटिव रिलेशन ई भी होगा, ग्रेटर देन ट्रांजिटिव रिलेशन होता होता है। अब यहाँ पर देखो ये किससे बड़ा हो गया, बी से, और बी किससे बड़ा हो गया, सी से। ये जो बड़ा है उनके तरफ ये बड़का मुँह बढ़ा दो। अब देखो ए किससे बड़ा होगा, सी से, नहीं होगा जी, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो फाइनली ए सी से बड़ा होगा ही जी सर। क्यों हो गया, देखो ए बी से बड़ा है, ए किससे बड़ा है, बी सी। अब देखो बी किससे बड़ा है, सी से, है तो बी से बड़ा, देखो बी सी से बड़ा हो गया, यानी सी जो है बी से भी छोटा है, सी किससे छोटा है, बी सी से भी छोटा है, बी किससे छोटा है, ए से छोटा है, तो ए से छोट सी होगा कि नहीं होगा, सी से होगा, इसमें कहने वाली कोई बात है, तो कौन सब नहीं समझा, कौन सब नहीं समझा, हम तो प्रश्न नहीं उड़ता कौन सब नहीं समझा, सब समझ चुका है जी सर, ट्रांजिटिव रिलेशन को समझ चुका है, ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं, यदि ये बी से संबंधित हो और बी ए सी से संबंधित हो, सी से संबंधित हो, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं, समझ गया ना, ए संबंधित रहेगा बी से, बी संबंधित रहेगा सी से, सी से बी संबंधित, ये इंगित करता है ये किससे संबंधित होना चाहिए, सी से, अगर ऐसा संबंधित हो गया तो ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन है जी। एक दूसरे से पहला क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव देखो लिख लिया है जी सर, इफ ए परपेंडिकुलर बी देन हिंदी में सब रिलेशन आर ई, हिंदी में सब लिख दीजिए, तो हिंदी में लिख लें मेरे को दिक्कत है, यदि ए बी पर लंब हो तब संबंध आर है, यदि ए बी पर लंब हो तब संबंध आर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, इसमें आपको रहेगा ओनली, तभी बोलिए थे हिंदी, यदि यदि ए बी पर लंब हो तो संबंध आर है, ऑप्शन बी ओनली सिमेट्रिक, ओनली ट्रांजिटिव, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, दिस नॉन ऑफ दिस से कोई नहीं। आप बोलो कौन होगा, हमारे ख्याल से सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक कौन होगा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। आप देखो पल्टो थ्योरी को तेज से देखो कौन होगा, लंबाला संबंध क्या होता है, लंबाला संबंध क्या होता है, यहाँ पे सर यहाँ पे होता है, इधर क्या
समझ चुका है ना जी सर, इसमें बस ए बी से संबंध है, बी ए से संबंध है। नहीं हो गया, ये रिफ्लेक्सिव होगा नो सर, क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब होगा नो सर, ट्रांजिटिव होगा ट्रांजिटिव एकदम तीन वो रहा तीन बताए ना, ये सी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा जी होगा रिलेशन। तो बोलो बी नंबर इनका कौन ऑप्शन सही होगा, टिक मारो समझ गया कि बोर्ड में बैठा हो, बोर्ड एग्जाम में बैठा हो। ये काफी इम्पोर्टेंट, तीन ऑब्जेक्टिव लिखाएंगे ये वो फिक्स रहेगा जी सर, जैसे अभी तीन ऑब्जेक्टिव लिखाएंगे ना उसमें से एक फिक्स रहेगा। अभी देखो क्विज में पढ़े हो तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा, भूलेगा नहीं। अभी दिया ना जवाब किने दिया जी सर, अभी देखो और दो ऑब्जेक्टिव लिखाते हैं उनका भी जवाब देगा। अब लिखो रिलेशन मतलब संबंध से छोटा, रिलेशन लेस देन, नो हिंदी एम लिखो, हिंदी एम लिखे से छोटा है, जे चीज में खुशी से वह चीज है ना, इंग्लिश में भी लिख देते हैं दोनों खुश हो, रिलेशन जिसको जिसमें लिखना हो लिखो, नहीं झगड़ा नहीं करना है सर जी, दोनों लिखो झगड़ा जो पसंद पड़े लिखो। तो देखो रिलेशन में रहेगा लेस देन, अब देखो यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं तो अब लेस देन लगा रहेगा उस रिलेशन में, तो समझ जाना हो सकता है थोड़ा और लैंग्वेज चेंज हो जाए। क्या बोले सर जी, नहीं समझ आया, जैसे तुम्हारा रिलेशन क्या हो गया से छोटा, तुम्हारा रिलेशन क्या हो गया से छोटा लेस देन, इन पर फिर फोकस करना है, थोड़ा भाषा बड़ा भी हो सकता है जी सर, नहीं हो सकता है अति हो सकता है जी, जी। भाषा आपको जाए कि भाषा बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा दूसरे टाइप से भी हो सकता है, लेकिन लेस देन तो ट्रांजिटिव होगा, लेकिन निकलेगा जी, सिर्फ किस पर फोकस करेगा लेस देन पर फोकस करेगा। तो बोलो लेस देन कौन रिलेशन होता है, ट्रांजिटिव होगा, कौन होगा ट्रांजिटिव, ओनली ट्रांजिटिव, इसका सही ऑप्शन क्या होगा सी होगा। सर जी जैसे वो चैप्टर खत्म कीजिएगा ना, क्षमता क्षमता है लेकिन हर चैप्टर क्षमता ऐसे आएगा क्षमता, ये ट्वेल्थ है समझ गया ना, वो अलेवंथ वो अलग चीज था। जैसे सर जी हर चैप्टर जैसे खत्म कर देते हैं ऑब्जेक्टिव तैयार कर देते हैं ना अभी दिए, जैसे तब एक चैप्टर खत्म होता है ना सर जी, तो उसी के हिसाब से ऑब्जेक्टिव का एग्जाम ले लीजिएगा क्या। एग्जाम देखो हम हर चैप्टर में दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत नहीं है एग्जाम लेने में जी, हम दिक्कत एग्जाम में सरप्राइज भी दीजिएगा, दिक्कत तुम लोगों को है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, जो हम लोग करेंगे 100 रुपया ले लीजिएगा पहले पहले पढ़ाई वाला। अब क्या होगा एग्जाम हम आयोजित करेंगे, लड़का सब गुम हो जाएगा सर जी, 12th है ऐसे की होगा तो तब हो गया, ये नियम सर जी 11th में था, अब 12th में नियम अगर लागू हुआ तो हो गया। एग्जाम लेंगे अगर तुम लोग का एकदम विचार है एकदम सब तैयार है समझ गए ना, तो लिया जाएगा ही जी, एकदम तुम लोग जो है कि चाहेगा ही ना एकदम तुम ही घूम रहेगा, बोल देखो यही घूम रहेगा, हम बोल रहे हैं पर तो विश्वास ही नहीं है सर, यही घूम रहेगा। अब एक बार एग्जाम लेकर ये लड़का अगर बोल दे तो इस पर हम विश्वास भी कर ले, ये लड़का बोल दे तो विश्वास कर ले, क्यों क्योंकि वो लड़का वहाँ पर ही पहुँचता था, तुम बोल रहा है तो ये विश्वास करने के लायक है, क्योंकि ये हो गया जी। आप लिखो तीसरा ऑब्जेक्टिव, ये भी होगा सर इसी, ये देखो लेस देन था ना ये 2018 में पूछे गए थे समझ गया ना जी सर, लंब वाला जो है ना
परपेंडिकुलर अभी ना लिखना है, इस बार 2019 में पूछा गया है, समझ गया ना जी सर। और उसके बाद मान आपके बार क्या पूछ दे, ग्रेटर देन पूछ दे नो ठीक है। अब ये तीन चीज है ना इसमें, 21 में मान के चलो कि तीनों में से एगो आएगा ही कोई न कोई। सर जी सी होगा इसका आंसर, सी ए होगा, ओनली ट्रांजिटिव होगा। कुछ पावर आया है, बहुत पावर आया है, उठाक बजा रहे हैं। ये क्या होगा, लिख लो ट्रिक करके भी ट्रिक। आज जो लड़का गुम है बोलो उसका क्या हाल होगा, वो सर पछताएगा, क्यों नहीं समझता है लड़का, यही कारण है गुम रहेगा, क्लास आएगा नहीं, समझेगा कहाँ से, एस्ट्रिक लिखो, लिखो लेस देन या लेस देन और ग्रेटर देन, ओनली ट्रांजिटिव होता है।